जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में पाठिक मेरी भावना को सॉल्व करेंगे। कक्षा 7वीं हिंदी के लिए आपकी पुस्तक है पाठिक मेरी भावना हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ में आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 के उत्तर भी इसी वीडियो में बताए जाएंगे। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है, इसमें जो आंसर रहेगा प्रेम। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका अलंकार उत्तर है। तीसरे में ईर्ष्या उत्तर रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न में साम्यभाव उत्तर है। पांचवे में आपका गया उत्तर रहेगा। अब देखिए, इसमें नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुन करके लिखना है। तो इसमें न्यायमार्ग आपका उत्तर है। पहले वाले रिक्त स्थान में साम, सातवें में न्यायमार्ग, आठवें में आपका होगा करुणा और नौवें में आपका है अनुप्राश और दसवें में आपका रहेगा भविष्य काल। इसके बाद में काल किसे कहते हैं, तो काल किसे कहते हैं का यह आपका उत्तर रहेगा। ये 12वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये 13वें प्रश्न का उत्तर। ये 14वें प्रश्न का और ये 15वें प्रश्न का लघुत्तरीय प्रश्न आपका है। इसके बाद में ये 16वें प्रश्न का उत्तर। ये 17वें प्रश्न का उत्तर। और ये 18वें प्रश्न का। इसके बाद में ये 19वें प्रश्न का उत्तर दीर्घोत्तरीय है। ये आपका 20वें प्रश्न का। और ये भी आपके 20वें प्रश्न में ही रहेगा। अच्छा, यहाँ से पार्ट 2 दादी की घड़ी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में निपात आपका उत्तर है। दूसरे में ऑप्शन डी दादी ने। तीसरे में ऑप्शन डी उद्यान भोज आपका उत्तर है। चौथे में रात आपका उत्तर है। पांचवे में ताज्जुब का ऑप्शन डी आश्चर्य उत्तर रहेगा। छठे में आप सांची उत्तर करोगे। सातवें में छोटा, आठवें में अंग्रेजी, नौवें में हमारे दिल, दसवें में कहानी। ग्यारहवें में आपका रहेगा आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। और बच्चों 12वें प्रश्न का उत्तर आपको बाद में बताएंगे। 13वें प्रश्न का देखिए, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे, ये उत्तर रहेगा। ये आपके 14वें प्रश्न का उत्तर। और ये 15वें प्रश्न का। इसके बाद में ये 16वें प्रश्न का उत्तर। ये 17वें प्रश्न का। इसके बाद में 18वें प्रश्न का उत्तर। फिर ये 19वें प्रश्न का। और इसके बाद में ये 20वें प्रश्न का उत्तर है। पार्ट 3 मेरी वसीयत आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं। पहले में प्रेम भावना उत्तर है। दूसरे में ना। तीसरे में गंगा। चौथे में दाह संस्कार। पांचवें में पौराणिक। छठे में अस्थि आपका उत्तर। सातवें में हिमालय। आठवें में मुस्कुराती व उछलती। नौवें में जॉन किट्स। दसवें में अधिकार। फिर ये 11वें प्रश्न का उत्तर प्रश्न के ऊपर लिखा है।
बारहवीं में नास्तिक नामुमकिन दो शब्द हमें बनाने थे, ये उत्तर रहेगा। तेरहवें प्रश्न का ये आपका उत्तर है। चौदहवें प्रश्न का ये आपका उत्तर रहेगा। लघुत्तरी टाइप के प्रश्न आपको दिए गए हैं पंद्रहवें में। सोलहवें में ये उत्तर है। सत्रहवें में ये आपका उत्तर रहेगा। अठारहवें में ये आपका उत्तर है। उन्नीसवें में ये आपका उत्तर। बीसवें में हमें फोटो लगा करके पांच पांच वाक्य लिखने थे, तो ये उत्तर रहेगा। और इक्कीसवें में ये उत्तर है। तो तीन पार्ट तक आपका कंप्लीट हुआ।